हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में आज हम प्रीमिक्स में हर रोज की तरह पांच क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पर सो so, ये प्रीमिक्स ना केवल पांच एम की प्रैक्टिस करवाएगा बट एट द सेम टाइम आप करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो उसे भी आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं सो डू वॉच दिस प्रीमिक्स अंटिल द एंड और जब आपने इसको पूरा देख लिया तो अपना स्कोर आउट ऑफ फाइव कमेंट्स में लिख दीजिए अब देखिए प्रीमिक्स जो है थ्रू आउट द ईयर आएगा अंटिल ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दैट इज द डेट ऑफ प्रिलम्स तो अगर आप कभी बाद में भी इस प्रीमिक्स को रिविजिट करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने उस टाइम में कौन सी गलतियां की थी जिस वजह से मेरा स्कोर ये है और कौन सी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है आपको स्कोर देखकर ही वीडियो को देखकर ही वो याद आ जाएगा सो मेक दिस अ रेगुलर फीचर हर रोज़ एटलीस्ट 10-15 मिनट आप प्रीमिक्स को ज़रूर दें एंड हमारा एक प्रीमिक्स एक्सक्लूसिव चैनल है जो सिर्फ प्रिलम्स पे फोकस करता है वहाँ पर आपको ना हर एक प्रीमिक्स का पीडीएफ मिलेगा एंड एट द सेम टाइम हम हर रोज़ पाँच क्वेश्चंस शेयर करते हैं जिनको आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं अब ये जो चैनल है ओनली फॉर प्रॉब्लम्स है तो अगर आप अपनी दिनचर्या में से 10-15 मिनट इस चैनल को दे दीजिएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स की अच्छी खासी तैयारी हो सकती है ऑल्सो कभी कभी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता हालांकि मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि आप वीडियो ही देखें लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं आप बीमार हैं या कहीं बिजी हैं वीडियो नहीं देख पाए तो एटलीस्ट इस चैनल पर जाकर पी ज़रूर देख लीजिए डाउनलोड करके राइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद हमारा एन का कोर्स भी है अब देखिए एन ना एक बहुत ही अहम हिस्सा है यू की प्रेपरेशन का अगर तो आप खुद से इन्हें पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है नहीं तो वी हैव अ कोर्स उसके बाद ये जो कॉज है ना इसमें जो रेलिवेंट एन सी आर टीज हैं दे हैव बिन टॉट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फॉर इंस्टेंस जोग्राफी के श्रद्धा मैम हैं पॉलिटी के आयुष सर हैं तो दे नो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पिन पॉइंट करनी है जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू लर्न फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स दैम सेल्वस उसके बाद ना लाइव डाउट सेशंस हैं और मेंटर सपोर्ट है और ये जो वीडियोस है ना आप चाहे जितनी बार मर्जी देखें ऐसा नहीं है एक या दो बार ही आप देख सकते हैं जितनी बार मर्जी देखें बिकॉज वीडियोस ही देखना इज़ दी अ सेंस ऑफ दिस कोर्स अदरवाइज़ पी तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे एन सी आर टीज तो आर अवेलेबल एवरी वे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है सो वीडियोस ही अ सेंस है और वीडियोस आप बार बार देख सकते हैं एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स इज़ टू ईर्स एंड यू कैन गेट इट फॉर फोर टू फोर नाइन रुपीज़ कोई भी डाउट है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए उसके बाद आइए आते हैं पांच क्वेश्चंस पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इज रिगार्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऑफ 2023 अब ये इंडेक्स अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा रिसेंटली रिलीज़ किया गया है अगर आप नहीं भी पढ़ पाए तो इस क्वेश्चन के जरिए आप ऑलमोस्ट इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ लेंगे अब ये क्वेश्चन में आपको तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है पहली इंडिया इज दी ओनली मेजर इकोनॉमी विथ एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम एक्सिलरेटिंग अक्रॉस ऑल डायमेंशंस राइट right? दूसरी इंडिया इज दी ओनली जी ट्वेंटी कंट्री इन द टॉप टेन इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडिया इज दी ओनली मेजर इकोनमी जहाँ पर इनर्जी ट्रांजिशन दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल नेचुरल गैस से हम क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक रिनीबल एनर्जी पे जा रहे हैं और मोमेंटम है ठीक है मोमेंटम है एंड दैट इज़ एक्सेलरेटिंग मतलब हम तेज़ी से इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में ठीक है सो इंडिया इज दी ओनली मेजर इकोनॉमी और उसके बाद एक सिंगापुर कंट्री आती है जिसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है बट हाँ मेजर इकोनॉमीज़ में हम इंडिया का ही नाम लेंगे दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है बिकॉज टॉप टेन में जो कंट्री है वो फ्रांस है ऑफ ऑल द जी ट्वेंटी कंट्रीज टॉप टेन में सिर्फ फ्रांस है दिस इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाई स्वीडन और इंडिया का कुछ रैंक सिक्सटी सेवन है आउट ऑफ टोटल वन ट्वेंटी कंट्रीज तो इंडिया काफ़ी पीछे है बट हाँ मोमेंटम काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप देखो रैंक हाईएस्ट उसका होगा जिसकी जिसने ट्रांजिशन कर लिया जहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन हो गई ठीक है तो वो स्वीडन में हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इसलिए उसका रैंक वन है इंडिया में भी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है लेकिन रेट ऑफ ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है ठीक है इसलिए जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है देन इट इज़ रिलीज बाई डब्ल्यू ई एफ एनुअल इंडेक्स है जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और आपको मुझे बताना है कॉमेंट्स में कि डब्ल्यू ई एफ और कौन से इंडस्ट्रेज़ रिलीज करता है फॉर इंस्टेंस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या इंडेक्स है ठीक है उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है और भी बहुत सारे इंडस्ट्रेज है जो ये रिलीज़ करता है पटेनिंग टू इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट डू मैंशन दैट इन द कामेंट्स तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ओनली टू ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर इंडिया की जगह पर फ्रांस होना चाहिए तो अब सिक्सटी सेवन्थ रैंक है और स्वीडन ने इसे टॉप किया है आउट ऑफ वन ट्वेंटी कंट्रीज एंड फ्रांस इज़ दी ओनली जी ट्वेंटी कंट्री इन द टॉप मैन फॉलोड बाय जर्मनी जिसका रैंक इलेवेंथ है फॉलोड बाय यूएस जो कि ट्वेल्थ पे है एंड यूके दैट इज थर्टीन राइट सो दैट इज अबाउट योर ई नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सी लाइन अब सी लाइन ना न्यूज में था बिकॉज कैलिफोर्निया के पास जो बीचे है वहां पर ना सी लाइन मरे हुए मिले या उनकी बॉडी ऑलमोस्ट डिलेपिडेटेड कंडीशन में मिले बिकॉज दे वर दे हैड फेड ऑन एल्गल ब्लूम्स ठीक है रेड टाइट भी जिसे कहा जाता है सो इन्होंने बेसिकली सी लाइन को इफेक्ट किया तो ये काफ़ी ज्यादा इनके नंबर्स जो है कम हो गए हैं अभी अगर हम उन कोस्ट में देखें कैलिफोर्नियन कोस्ट में देखें तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सी लाइन ठीक है तो हमने सी लाइन पे क्वेश्चन बना दिया अब पहली स्टेटमेंट है दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फिश दे आर कंसिडर्ड सेंटिनल स्पीशीज दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया अब आपको इनकरेक्ट बताना है अब जो पहली कैटेगरी है पहली स्टेटमेंट है वो गलत है बिकॉज दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मेरीन मैमल्स और ये चीज ना आप याद कर लीजिए जो सी काओ है ना वो भी मैमल है और सी काउ लाइक अ काउ फीड्स ऑन ग्रास ठीक है जो सी लायन है ना ये भी मैमल है एंड लायन इट इज अ लाइक अ लायन फीड्स ऑन अदर फिशेज ठीक है अब जो सी लाइन है फिर ये रेड टाइट से कैसे इफ़ेक्ट हुआ सी लाइन फीड करता है फिशेस के ऊपर लाइक शेल फिश एंड ऑल दैट और वो फिश फीड करती है एल्गल ब्लूम्स पे और आपको बायो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि जो टॉक्सिन है वो हायर यू गो ऑन द ट्रॉफिक लेवल्स वो मैग्नीफाई होते हैं तो सी लाइन इस वजह से इनमें जो है ये रेड टाइट की वजह से एल्गल ब्लूम्स की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है देर इज अ न्यूरो टॉक्सिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अब तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है तो मेरीन मामल है ठीक है दूसरी स्टेटमेंट सेंटिनल अब इनको ना सेंटिनल स्पीशीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है चीज़ें उसको इंडिकेट करते हैं अब ह्यूमंस भी शेलफिश पे फीड करते हैं सी लाइन भी शेलफिश पे फीड करते हैं अब जब सी लाइन मरते हैं ठीक है या आ, वो बीमार होते हैं तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि शेल फिश में कुछ प्रॉब्लम है और ह्यूमंस उसे फीड नहीं करेंगे तो दे आर अ सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज लाइक दैट राइट सो so ये सही है एंड दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया ये भी सही है तो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट तो एक ही है दैट इज़ द फर्स्ट तो हमारा आंसर ओनली वन हो जाता है डोंट एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन इनकरेक्ट एंड करेक्ट उसके बाद सी लाइन से रिलेटेड टू वॉलिस एंड सील्स दे आर अ पार्ट ऑफ मेरीन मैमल्स और ये ना गैलापागोस आइलैंड स्पेसिफिक ओशन में बहुत मिलते हैं कैलिफोर्निया कोस्ट में बहुत मिलते हैं और लाइक like आई सेट की सेंटरल स्पीशीज इसलिए हैं बिकॉज दे केन आइडेंटिफाई दे के हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल रिस्क टू ह्यूम उस तरह से सो दिस इज हाउ अ सी लाइन लुक्स इसको सी लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइक अ लाइन ये कार्निवोरस है सी का लाइक अ काउ फीड्स ऑन द ग्रास इट्स अ हॉबी वोर्स और ये दोनों ही मैमल्स है सी हॉर्स हमने पढ़ा है फिश है सी कुकुम्बर इकाइनोडमाटा में आता है इनवर्टिब्रेट्स में तो so, ये सी वाले हमेशा याद रखिएगा देन नेक्स्ट अब इसमें ना पूछा गया है विच ऑफ द अबॉव सोर्सेज ऑफ लाइफ स्टॉक इमिशन आर करेक्टली मैच्ड फॉर इंस्टेंस क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया से आता है क्या नाइट्रस ऑक्साइड लाइफ स्टॉक डंग और यूरन से आती है क्या मिथेन बेल्चिंग से आती है ठीक है तीनों है आप बताइए कौन सा सही है सो इसका आंसर है ऑल थ्री बिकॉज तीनों ही सही हैं अब देखिए जब हम यूरिया की बात करते हैं ना यूरिया आपको पता है एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है तो उससे ना नाइट्रो नाइट्रज ऑक्साइड वाली इमेशन्स या पल्यूटेंट्स लाइक एनोवेक्स रिलीज होते हुए हम रिलेट कर पाते हैं लेकिन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है और यूरिया रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड तो ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसके बाद लाइफ स्टॉक जो है डंग और यूरिन उससे हमें ऑक्साइड मिलता है क्योंकि जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये नाइट्रोजनस होते हैं ठीक है ठीके? तो इवन ह्यूमंस जो हैं ठीक है ठीके? उनका भी जो यूरिन और डंग होगा दैट विल कंटेन नाइट्रोजन और उससे जो है हमारा ऑक्साइड रिलीज हो सकता है होता है अगर हम उसे ओपन में करेंगे तो तो यूरिन और डंग इज़ अ सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ सोर्स ऑफ यूरिया एंड मीथेन आपको पता है मीथेन तो जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसकी बेल्चिंग होती है या फ्लैटुलेंस उससे रिलीज होता ही है क्योंकि र्यूमिनन्स जो हम कहते हैं उनका पेट जिसको र्यूमिन कहा जाता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्ट करते हैं और वो रिलीज़ करते हैं मिथेन जो या तो फ्लैटुलेंस के थ्रू बाहर आती है दैट इज़ फाट्स या फिर बर्ब्स के थ्रू या बेल्चिंग के थ्रू बाहर आती है राइट सो दैट इज़ देयर देन गुची नॉ दिस इज़ अ पी वाई क्यू ठीक है अब ये आपको बताना है कौन सी सही है पहला गुची इज़ अ फंगस इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगेन आपको बताना है कौन सी सही है अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये पी वाई क्यू है तो पी वाई क्यूज तो आपको पता होने ही चाहिए देखो पहला स्टेटमेंट सही है फंगस है ये और ना मैं आपको एक चीज़ लिख कर दे रही हूँ आप नोट कर लीजिए कि फंगस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी प्रलिमस सो डोंट इग्नोर एनी करंट अफेयर्स विच इज़ रिलेटेड टू फंगस ठीक है मत इग्नोर कीजिए फंगस के बारे में पढ़िए अगर आपको नहीं पता है तो गूची फंगस है फॉरेस्ट एरियाज में मिलता है लेकिन इसको कमर्शियली कल्टीवेट करना पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो आप इसको कलेक्ट करते हो ठीक है आप इसको कलेक्ट करते हो विलेजर्स इसको कलेक्ट करते हैं और ये काफ़ी महंगा मशरूम है काफ़ी महंगी फंगस है ठीक है सो दिस इज हाउ इट लुक्स इसमें ना हनी सा एक पैटर्न होता है और नहीं आपको फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में मिलता है ये आपको याद रखना है फुट हिल्स ऑफ हिमालयस लाइक हिमाचल उत्तराखंड एंड जे वो भी आप याद कर ही सकते हो मुश्किल नहीं है ठीक है

अब हम आते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस में अब ये ना स्टैटिक का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन तो बनता है स्टैटिक से अब इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि क्या होते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग सिमिलर इकोलॉजिकल नीश बट लिविंग इन डिफरेंट रिजन्स दे इंक्लूड द सेम स्पीशीज लिविंग इन डिफरेंट नीशेस तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस की कैसे अब देखो अगर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर इकोलॉजिकल नीश ऑक्यूपाई करते हैं बट डिफरेंट इकोसिस्टम्स में रहते हैं फॉर इंस्टेंस एपीफाइट्स आपको जो एपीफाइट्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में भी मिलेंगे ऑर्किड्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल और वो आपको साउथ अमेरिका में भी मिलेंगे सो दे आर सिमिलर नीशेज ठीक है एक पेड़ के ऊपर होते हैं एपीफिटिक है एपी का मतलब होता है ऊपर फाइट का मतलब प्लांट तो ऑर्किड्स और अ मैंगो ट्री ये हम पढ़ते भी हैं कमेंसेलिजम में एपिफेटिक है सिमिलरली आपको ये वेस्टर्न कार्ड्स और साउथ अमेरिका दोनों में मिलेंगे तो सिमिलर इकोलॉजिकल नीच है लेकिन डिफरेंट रिजन्स है तो ऐसे स्पीशीज एग्जिस्ट तो करते ही हैं तो इनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल इक्विवलेंस ठीक है उसी तरह से वुडेड एरियाज में आउल्स जो हैं वो माइस पे फीड करते हैं और जो कैट्स हैं वो माइस पे फीड करती हैं अर्बन एरियाज़ में या ह्यूमन हैबिटेशंस में तो ये भी एग्जांपल हो गया हमारे पास ऑफ इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस ठीक है सो सबसे अच्छा एग्जांपल तो एपिफाइट्स का ही रहता है एपिफाइट्स होते हैं जो मैंगो ट्री के ऊपर ब्रांच के ऊपर ग्रो करते हैं बिकॉज वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सनलाइट नहीं पहुँचती नीचे तक तो ये पेड़ के ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं बाकी सारा न्यूट्रिशन हवा से लेते हैं पानी भी हवा से लेते हैं बट उसके वो सिर्फ ग्रो कर रहे हैं तभी तो भी कहा जाता है कि एपिफाइट्स का फायदा हो रहा है मैंगो ट्री का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है दैट इज वॉट कमेंसाइलिज्म इज है ना और जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं उनको फोरोफाइट्स कहा जाता है सो वी हैव एपीफाइट्स एंड वी हैव फोरोफाइट्स सो दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ इकोलॉजिकल इंक्यूबिलिट एंड वी हैव अनदर कैटेगरी कि आपके पास ना सेम स्पीशीज है लेकिन वो डिफरेंट नीच पे जैसे फॉक्स अब फॉक्स ना कार्निवोर है बट कभी कभी क्या होता है विंटर्स में ना फूड शॉर्टेज हो जाती है तो फिर वो बेरीज ग्रेप्स पे भी फीड कर लेता है हर भी वोस भी हो जाता है अब एक ही स्पीशीज है ठीक है सेम स्पीशीज बट लिविंग इन डिफरेंट नेशीज तो इनको भी हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस कह सकते हैं राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर फाइव क्वेश्चन अगेन प्लीज डू मैंशन योर स्कोर इन द कॉमेंट्स और अगर कोई भी डाउट है ना किसी भी तरह का डाउट है ठीक है अब देखो वही वाली चीज़ होती है ना कि क्वेश्चन आस्ट इज लाइक अ प्रॉब्लम आस्ट इज़ अ प्रॉब्लम सोल्ड है ना अगर आप अपना सवाल पूछोगे ही नहीं तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा पूछोगे तो शायद सॉल्व हो जाए और ये मत सोचो कि मैं बहुत ही बेसिक पूछ रहा हूँ या ये कितना ही यू नो यू माइट लुक नॉट वेल रेड और बड़े वो नहीं सोचना है पूछो अपने डाउट्स और सॉल्व करो उनको सो डू आस्क योर डाउट्स एंड हमारा जो लाइव जी एस कोर्स है वो भी अवेलेबल है एंड अगर आप उस पर आई ई एस टॉपर कोड लगाते हैं तो आपको ना वो दस परसेंट ऑफ और मिल जाएगा सत्ताईस हज़ार में मिल जाएगा और इसकी ना वैलिडिटी दो साल है मतलब इंटरव्यू तक दो हज़ार चौबीस का इंटरव्यू जो दो हज़ार पच्चीस में होगा तब तक ही वैलिड है और इस कोर्स में ना प्रलिम्स के लिए आपको प्रिलम्स के क्विज और प्रिलम्स पूरी टेस्ट सीरीज मिलती है मेंस की आंसर राइटिंग मिलती है लाइव डाउट सेशंस मेंटरशिप सपोर्ट बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये सब कुछ मिलता है अलोंग विद द बेसिक्स लाइक जीएस कंटेंट करंट अफेयर्स ये तो बेसिक है ये तो देना ही है और ये लाइव है उसके बाद एक और इसमें जो बहुत अच्छा ऑन है एस ठीक है अब एस और जी सबके लिए कॉमन है ऑप्शनल तो अब सबका अलग है और ये दोनों चीज़ें इसमें कवर्ड है एंड ऑल ऑफ दिस एट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सो डू कंसिडर दिस कोर्स और ये सारे जो हमारी जो फैकल्टी है ना वो जो आपको यूट्यूब पे दिखती है वही है इट इज़ नॉट दैट वी हैव डिफरेंट फैकल्टी फॉर द पेड कोर्सेज एंड डिफरेंट फॉर यूट्यूब कोर्सेज दैट इज़ नॉट देर और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है ना कि कुछ डाउट है तो आप हमारा ट्रायल कोर्स ले सकते हैं कैसे लेना है आप हमें कॉल करिए हम आपको बताएंगे राइट सो दैट वज़ ऑल फ्रॉम माई हैंड एंड लास्टली मैं यही बोलूँगी कि स्ट्राई फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन ठीक है आप अगर ये बोलो कि मैं यू you नो know, आज पूरा uh, चैप्टर पढ़ दूंगा आई वी सी इंटर्स वैली सिविलाइजेशन पूरी पढ़ दूंगा नहीं भी हुआ तो भी स्टार्ट तो किया ना आपने कंप्लीट नहीं भी हुआ तो भी इट्स तो ओके और यू पी एस सी में ना परफेक्शन इज नॉट शॉर्ट वो आपको ढूंढनी ही नहीं है आपको बस रोज़ प्रोग्रेस करनी है टेक वन डे एट अ टाइम और वन डे मे वी नॉट टेक वन आवर एट अ टाइम एंड टेक फाइव मिनट्स एट अ टाइम टेक टेन एट अ टाइम ब्रेक करो अपने दिन को ठीक है उससे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहो बिकॉज कंसिस्टेंसी इस एग्जाम में रिवॉर्ड होती है ज़रूरी नहीं है कि आप रोज के दस बारह घंटे लगाएं अगर आप रोज के पाँच छः घंटे भी लगाएंगे लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली लगाएंगे हर रोज लगाएंगे तो यू विल डेफिनेटली रीप रिवॉर्ड्स इन दिस एग्जाम एंड दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे